नमस्तेकार, और आज हम खड़े हैं चाइनीज हैचबैक के सामने जिसका नाम है शेवरोले सेल युवा। 2001 में लॉन्च हुई थी और ये 2014 का सेकेंड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों में आती थी। रेंज शुरू होती थी एक्स शोरूम 4 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत थी 7 लाख रुपीज़। और ये टॉप मॉडल LT ABS आप देख रहे हैं। 2017 तक बेची थी शेवरोले ने सेल युवा, और उसी साल शेवरोले कंपनी भी बंद हो गई इंडिया में। ये सेल हैचबैक का आखिरी मॉडल था और आज इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ सेल सेडान ही आती है। हैचबैक मॉडल बंद कर दिया है कंपनी ने। इंडिया में भी सेल का सेडान वर्जन अवेलेबल था। शेवरोले के चाइनीज डिवीजन शंघाई जनरल मोटर्स ने बनाई है सेल। चाइना में ही स्थित पैन एशिया टेक्निकल ऑटोमोटिव सेंटर ने डिज़ाइन की है सेल युवा, जो जनरल मोटर्स और SAIC मोटर का ही जॉइंट वेंचर है। आज इंटरनेशनल मार्केट में सेल की थर्ड जनरेशन आती है, बट वो सिर्फ सेडान में ही आती है। हैचबैक बंद कर दिया गया है। और ये शूटिंग स्टार स्टाइल फॉग लैम्प, और ये डुअल पोर्ट क्रोम रेडिएटर ग्रिल, गोल्डन शेवरोले बोटाई लोगो, और ये हॉकाई स्टाइल हेडलैम्प। दो वाइपर्स हैं, एंटेना, रूफ रेल्स हैं, ओरिजिनल डोर वाइजर्स हैं, पावर एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं, ABS का स्टिकर, इंडिकेटर। 3.9 मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर हाइट है, 168 mm ग्राउंड क्लीयरेंस है, 1100 kg कर्ब वेट है और 10.3 मीटर टर्निंग डायमीटर है सेल युवा का। और ये हैं 14 इंच के अलॉय व्हील, स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन था। आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ये ग्रे कलर आप देख रहे हैं, ब्लैक, मिस्टी, बीज, वाइट, सिल्वर और रेड कलर का भी ऑप्शन आता था। इंडिया में बिकने वाली पुरानी ओपेल कोर्सा सेल हैचबैक इस सेल युवा की फर्स्ट जनरेशन थी। चाइना, इंडिया, कोलंबिया और इक्वाडोर में असेंबली होती थी इस सेल की। जनरल मोटर्स के गामा प्लेटफॉर्म पर बनी है सेल, जिस पे बीट, एवियो और बुइक इनकोर भी बने। टेल लैम्प, रियर वाइपर, स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, शेवरोले की बैजिंग, TCDi डीजल इंजन की बैजिंग, रियर कैमरा, सेल युवा की बैजिंग, LT टॉप मॉडल की बैजिंग, शेवरोले का लोगो, एग्जॉस्ट टेल पाइप, रिफ्लेक्टर हैं। सेफ्टी के लिए चाइनीज एनकैप ने 5 में से 4 स्टार्स दिए थे इस सेल को। आगे मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे ट्विस्ट एक्सल मिलेंगे। पैसिव ट्विन ट्यूब गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर हैं। शेवरोले ने सेल का इलेक्ट्रिक वर्जन स्प्रिंगो भी बनाया था चाइना में, बट उसे इंडिया नहीं लाया गया कभी। सेफ केज बॉडी स्ट्रक्चर है कॉलिजन इम्पैक्ट को कम करने के लिए। हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ हुआ है सेल की बॉडी में ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए। सेफ्टी के अंदर 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, डुअल हॉर्न, साइड इंपैक्ट, आगे पीछे डोर बीम, रियर डोर चाइल्ड लॉक, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक और आगे 3-point ELR सीट बेल्ट्स मिलेंगे। 3 साल 45,000 किलोमीटर की वारंटी शेवरोले देती थी सेल युवा पे। चाइना, इंडिया, कोलंबिया और इक्वाडोर में असेंबली होती थी इस सेल की। चाइना में ही जनरल मोटर्स और SAIC मोटर ने मिलकर डिजाइन किया था। तो यहां आपको मिलेगी 248 लीटर की बूट स्पेस। रियर सीट्स फोल्ड करने पर 1134 लीटर की स्पेस बन जाएगी। लाइट दी गई है, टूल किट, और ये स्पेयर व्हील। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं।
तो चार स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा सेल युवा में। यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है, पावर विंडो का बटन है, स्पीकर, बीच फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है, उसके ऊपर ये आफ्टर मार्केट सीट कवर्स आप देख रहे हैं, दो हेडरेस्ट हैं, सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, प्लेन रूफ है, पार्सल ट्रे, और ये एक ग्लास होल्डर है, ये एस्ट्रे कैन, और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। शेवरले कॉर्वेट से इंस्पायर्ड डुअल कॉकपिट इंटीरियर है, वाइड हॉरिजॉन व्यू डैशबोर्ड डिजाइन के साथ, लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील और गियर नॉब मिलेगा। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे स्पीकर है और बॉटल होल्डर और काफ़ी स्पेस दी गई है। यहाँ ऊपर भी स्पेस है और ये सेल की स्कफ प्लेट और ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन और ये फ्यूल लिड और बूट खोलने के लीवर, पेडल्स, बोनेट खोलने का लीवर। यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है ड्राइवर के लिए। ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, ORVM के कंट्रोल्स हैं। आइए कार ऑन कर लेते हैं। और यहाँ से भरेंगे डीजल। और ऐसे दिखती हैं आगे की सीट्स। और ये है टिल्ट स्टीयरिंग। ग्लास होल्डर है, मैनुअल हैंड ब्रेक है और ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। यहाँ काफ़ी स्पेस दी गई है, 12V का चार्जिंग पोर्ट और ये है AC हीटर के साथ। और ये है आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम। स्टैंडर्ड फन वाइड ऑडियो सिस्टम आता था जो सपोर्ट करता था CD, रेडियो, ऑक्स, USB और ब्लूटूथ। दो AC वेंट्स हैं। डैशबोर्ड के फिनिश कॉर्वेट इंस्पायर्ड। यहाँ ऊपर थोड़ी स्पेस है, ग्लो बॉक्स में भी काफ़ी स्पेस है। और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, डे नाइट रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट। और ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। और ये है 3-spoke स्पोर्टी पावर स्टीयरिंग। वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं और ये है राइजिंग सन स्टाइल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा डिजिटल टैकोमीटर, फ्यूल लेवल, स्पीड, ट्रिप मीटर और कई वार्निंग लाइट्स। राइजिंग सन स्टाइल डिजाइन है। ये ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिजिटल टैकोमीटर। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। तो ये है 1300cc इनलाइन 4-सिलेंडर DOHC टर्बोचार्ज BS4 Daewoo S-Tec SmarTech डीजल इंजन। 77 हॉर्स पावर है, 205 Nm टॉर्क है और 22 का एवरेज मिलेगा 40 लीटर के फ्यूल टैंक से। पेट्रोल में 1200cc इनलाइन 4-सिलेंडर Daewoo S-Tec इंजन आता था, उसकी थी 85 हॉर्स पावर, 113 Nm टॉर्क, 18 का एवरेज, 42 लीटर के फ्यूल टैंक से। यही इंजन एवियो और बीट में भी यूज़ होता था। Daewoo का S-Tec इंजन है ये। डीजल में 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था और पेट्रोल में 42 लीटर का फ्यूल टैंक आता था।
तो कैसी लगी आपको शेवरोले सेल युवा, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।